हमारे घर में मिर्ची और ये आग डालने का इतना ही शौक है आपको, तो फिर करो, फिर अच्छे से ही कर लो आप। पहले तो आपके फोन से होते थे, हमारे घर में आपको सुख शांति सब कुछ दिखता है, फिर आपके फोन कॉल चलते हैं, फिर आप हमारे घर में भंग डाल देते हो। जरा सी हमारी सासू हमसे अच्छे से बोलने लग जाती है, फिर आप भंग डाल देते हो। आपका अपना घर नहीं है क्या? आपके अपना घर है, दो भाई हैं, बहू हैं, मम्मी पापा हैं, पूरी फैमिली तो है यार। फ्रेंड्स, अंशु के बारे में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अंशु ने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें वो अपने पापा के साथ, भाई के साथ और पूरे परिवार के साथ मथुरा जा रही थी। मथुरा में वो कहाँ जा रही थी? मथुरा में वो दर्शन करने जा रही थी या फिर सपना के ससुर जी का जो एक नया घर बन रहा है, जो कि मथुरा में बन रहा है, वहाँ जा रहे थे ये लोग, वो घर देखने जा रहे थे। इस बारे में सोशल मीडिया में ये बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अंशु ने वो वीडियो महज 1.5 घंटे बाद ही डिलीट कर दिया सोशल मीडिया से। पर क्यों? ये एक सवाल खड़ा करता है कि अंशु ने वो वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट क्यों कर दिया? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसा कोई इंसान कैमरे के सामने आ गया था या फिर ऐसी कोई बात रिकॉर्ड हो गई थी जो अंशु ने एडिटिंग करते टाइम ना कट करना भूल गई और वो अपलोड हो गया और वो व्यूअर्स के नज़र में आ गया? क्योंकि व्यूअर्स लगातार ट्रोल कर रहे थे अंशु को कि अच्छा, तो अब समझ में आता है कि तुम ही हो घर का बेटी, लंगड़ा ढाए वाला काम कराया तुमने, तुम ही हो जिसने अपनी भाभी को भाभी भाभी बोल के तुमने अपनी भाभी को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा की नहीं हो सकी तो अपनी भाभी की क्या होगी? तुमने अपनी भाभी को इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर करके सारे चैनल्स अपने ले लिए हैं, सारे चैनल्स। अब सपना द रॉट पे कोई वीडियोस नहीं डालती है, ना रॉट पे ना सपना डालती है, ना अंशु डालती है। तो आखिर जो रॉट चैनल है वो कहाँ है इस वक्त? उसका जो है सब कुछ कहाँ है? क्या वो रॉट चैनल बेच दिया अंशु ने, या फिर सपना ने अंशु को दिया, दे दिया तो अंशु ने वो रख लिया या अपने भाई को दे दिया या फिर किसी को दे दिया? ऐसे बहुत से सवाल अभी खड़े हो रहे हैं।